हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के परांठे। सो गाइस, ये जो परांठे हैं, बेसिकली मैंने इंस्टा पे वायरल परांठे देखे थे, प्याज के परांठे, तो हमने सोचा कि आज हम उसको बनाना ट्राई करें। तो हमने आलू के परांठे भी बनाए थे और प्याज के भी परांठे बनाए थे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को, हमारे यहाँ मूली भी थी तो प्याज और मूली को मिक्स कर लिया था, और आलू को केवल उबाल के रखा हुआ था। तो दोनों जो मिक्सचर हैं उसमें हम सबसे पहले सॉल्ट मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे हल्दी। आलू के मिक्सचर में भी हम मिक्स करेंगे और प्याज और मूली वाले मिक्सचर में भी मिक्स करेंगे। देन हम इसमें जिंजर ऐड करेंगे। दोनों मिक्सचर में हम इनको ऐड करेंगे। एंड देन ये जो मैंने मिलाया है, दैट इज़ धना पाउडर। आलू वाला जो मिक्सचर है उसमें मैंने 1 टेबल स्पून धना पाउडर डाला है। प्याज वाला मिक्सचर ज़्यादा है तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है धना पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स करना है। जीरा भी डाला हुआ है मैंने, थोड़ा थोड़ा आप जीरा ऐड कर सकते हो। जीरा ऐड करने के बाद आपको डेगी मिर्च डालनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा कलर भी देती है और ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। तो इसको आप मिक्स करोगे, पूरा अच्छे से आप मिक्स कर सकते हो स्पून की हेल्प से, या आप हाथ से भी कर सकते हो इसको बैटर। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा, जो डेगी मिर्च का है वो कलर आ जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला है दोनों मिक्सचर में। तो आटा गूंदने के बाद मैंने 2 पेड़े बना लिए थे। जितना बड़ा परांठा चाहिए उतना बड़ा पेड़ा आप बनाओगे। देन आपको थोड़ा सा जो आटा है, व्हीट फ्लार, उसको स्प्रेड कर लेना है। एंड देन इसको छोटा गोल करना है। गोल करने के बाद हम इसको जो भी स्टफिंग, जैसे आपको आलू का परांठा बनाना है तो आलू वाली स्टफिंग भरेंगे, और आपको प्याज का चाहिए तो आप प्याज का करोगे। इसका बिल्कुल छोटा साइज़ हमें बेलना है। बेलने के बाद, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टफिंग को हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद जैसे आप मोमोज को शेप देते हो उसी तरीके से आपको इसके सारे साइड्स को बंद करके गोल गोल करना है, ताकि ये जो भी मिक्सचर हमने प्याज का डाला हुआ है वो उससे प्याज बाहर ना आए, प्याज के परांठे फटे ना। आप इस तरीके से हाथ, अपनी हथेली की हेल्प से इसको गोल करके बड़ा कर सकते हो। फिर आपको वापस से आटा स्प्रेड करके इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलना है, जैसा कि मैं वीडियो पे आपको दिखा रही हूँ। सूखा आटा स्प्रेड करके आप बेलोगे तो इजीली परांठे फटते नहीं हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेम इसी तरीके से हल्के हाथों की मदद से आपको परांठे बेलने हैं। ज़्यादा आप स्टफिंग भरोगे तो ज़्यादा टेस्टी परांठे बनते हैं। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था प्याज के परांठे, जो कि इंस्टा से देखे हुए थे, बट इट वॉज सो टेस्टी। तो आप अपने घर पे भी इसे दही के साथ खा सकते हो, या फिर आप टमाटर की चटनी के साथ, या मिर्ची के अचार, या फिर आप नींबू के अचार के साथ खा सकते हो। काफ़ी टेस्टी लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेम चीज़ मैंने की है। आपका प्याज का जो परांठा, उसमें आपके प्याज बाहर दिखने लगे जब, तो आप उस टाइम पे आप उसको बेलना छोड़ दें। उसका ज़्यादा उसको गोल करके आप बड़ा ना करें। जितना प्याज अगर ऊपर दिखने लग रही है, प्याज का परांठा फटने लग रहा है, उस टाइम पे आप रोक दें, उस टाइम पे आप सेकेंगे। दूसरा परांठा बना रही हूँ मैं, आलू वाला। तो आप आलू की स्टफिंग भर के, आलू के परांठे नॉर्मली फटते नहीं हैं, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो वो थोड़े बहुत फट जाते हैं, बट वो जब प्याज को आप तवे पे फ्राई करते हो तो प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होती है, उसका टेस्ट अमेजिंग होता है। तो
तो आलू के परांठे फटते नहीं, आलू को नॉर्मली आप इजीली कर लेते हो, बेल लेते हो। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है जो मैंने बताई हुई है वीडियो पर। दोनों परांठे बेलने के बाद मैंने तवे पे उसको हल्की आंच पे गरम किया हुआ है। एंड देन हम तेल से या बटर से, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बटर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगता है बैटर आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप यूज़ कर सकते हो। आवाज़ में आप सुन नहीं सकते हैं कि कितने करारे पराठे बने हुए थे। दोनों साइड से आपको बिल्कुल गोल्डन होते हुए सेकना है। गोल्डन होने पे आप सारे पराठे निकाल लेंगे। मैंने इसे मिर्ची के अचार के साथ सर्व किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत टेस्टी थे पराठे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे हरी चटनी, सॉस, दही के साथ, टमाटर की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। नाउ एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं कि आपको जो भी रेसिपीज़ चाहते हो, आपकी हम न्यू रेसिपीज़ लेके आएँ, टेस्टी डिशेस लेके आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में